वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कहते हैं जब प्यार की खुमारी सर चढ़ती है तब कुछ भी दिखाई नहीं देता, न घर परिवार, न जाति धर्म, बस प्यार के सपने बुने जाते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। प्यार करने वाले सारी बंदिशें तोड़कर एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन धर्म और जाति फिर भी आड़े आता है। समाज के ताने उनकी सोच का हावी होने लगती है, तब जो होता है वो किसी की भी सोच से परे होता है। बरेली में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो कुछ कट्टरपंथी सोच वालों को हजम कभी नहीं होगा। यूपी के बरेली जिले में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। नाजिश नाम की मुस्लिम लड़की नीलेश नाम के हिंदू लड़के से प्यार करती थी। अब दोनों ने शादी कर ली है। हालांकि इस रिश्ते से दोनों परिवार खुश नहीं थे, इसलिए दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। शादी के बाद नाजिश का नाम निहारिका हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलेश और नाजिश बचपन से एक दूसरे को जानते थे और साथ रहते थे। दोनों ही बरेली के हाफिजगंज के रहने वाले थे। बड़े होने तक दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों ने अपने घर शादी की इच्छा जताई तो दोनों परिवारों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। नाजिश के घर वालों ने उस पर पाबंदियां भी लगानी शुरू कर दी, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ और आखिरकार दोनों ने 13 मई शुक्रवार को अगस्त मुनि आश्रम बरेली में शादी कर ली। लेकिन सवाल यह था कि इतनी पाबंदियों के बाद भी नाजिश शादी के लिए घर से कैसे निकल पाई। तो दरअसल वो 10 मई को अपने परिवार के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए गई थी। वहां से उन्हें मौका मिला और नीलेश के साथ वो वहां से साथ चली गई। इस घटना के बाद नाजिश के घर वालों ने नीलेश के खिलाफ अपहरण की शिकायत भी दर्ज करवाई। कुछ समय बाद 13 मई को नीलेश और नाजिश अपने कागजातों के साथ बमनपुरी स्थित आर्य समाज के अगस्त मुनि आश्रम गए। वहां दोनों ने हिंदू विधि विधान से शादी करने की इच्छा जताई। अगस्त मुनि आश्रम के महंत पंडित के शंकर ने दोनों के कागजात चेक किए, दोनों बालिग भी निकले। नाजिश ने उन्हें बताया कि वो हिंदू धर्म में आस्था रखती हैं और उस पर किसी का किसी भी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है या दबाव नहीं है। इसके बाद में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। इस शादी में हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोगों ने वर वधु को आशीर्वाद भी दिया। अब इस शादी के बाद शादी करवाने वाले महंत ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि वो अब तक कई शादियां करवा चुके हैं, लेकिन इस शादी के बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं। इस खबर में इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ।